जो जिसके सबसे विश्व के लोकप्रिय है, जिसके विश्व के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह की अलॉटमेंट करी। साथियों, हमारी अलॉटमेंट जो शुरू हुई ये भारतीय जनता पार्टी को अलॉटेड नहीं हुई है, ये अलॉटमेंट कांग्रेस के टाइम से सभी पॉलिटिकल पार्टीज को केंद्रीय दिल्ली में कार्यालय अलॉट होना ऐसी एक सरकार की पॉलिसी है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बनने से 96 से पहले की थी और उसके बाद में थी। कांग्रेस को अलॉटमेंट पहले कार्यालय की 1975 में 1976 में हुई, कम्युनिस्ट पार्टी को 93 में हुई, बाकी तमाम पार्टियों को दर बदर अलॉटमेंट होती रही। और कांग्रेस का जो दिल्ली स्टेट का कार्यालय है उसकी 1127 स्क्वायर मीटर की अलॉटमेंट, कांग्रेस का जो प्रदेश कार्यालय है मैं पुनः रिपीट करता हूं उसकी 1127 मीटर की अलॉटमेंट 15/5/1987 को हुई। साथियों, हमारी अलॉटमेंट आपके सामने तथ्य रखने बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने 2001 में अपने कार्यालय की अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया था। 2009 में हमने पुनः उसकी रिकमेंडेशन भेजी और 2008 में हाई कोर्ट में जिसकी एक रिट पिटीशन क्योंकि यूपीए की सरकार थी कांग्रेस को मिल गया, हमारे को उसकी पूरी डिटेल ब्रीफ है आप लोगों के पास नवीन जी भेज देंगे। 2008 में हमने हाई कोर्ट में भी गए साथी और जिसकी रिट पिटीशन 2174/2008 हाई कोर्ट में भी गए, हमने हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त लगाई। तो उसके बाद 2009 में हमारी उस एप्लीकेशन को हाई कोर्ट के बाद आगे बढ़ाया गया और 12/5/2010 को, मैं रिपीट करता हूं 12/5/2010 को हमारे को 1060, ये पॉइंट नोट करने वाला, 1060 स्क्वायर मीटर की एक लैंड अलॉट हुई जिस लैंड पे हम निरंतर उनसे बातचीत करते रहे। और यूपीए सरकार जिस तरह से पता था कि अपने लेती रहे, अपने कार्यालयों के लिए जगह लेती रही, पर भारतीय जनता पार्टी को उसकी कार्यालय की जो जगह अलॉट हुई जिसके हमने अमाउंट भी भर दिया और उसकी फिजिकल पोजीशन नहीं दी। तो सौरभ भारद्वाज जी, ये अलॉटमेंट कांग्रेस के टाइम की थी जिसको पेमेंट भी उसके टाइम की हुई और 2004 में तो ये 1060 की जगह घटकर 809 रह गई। तो अलॉटमेंट 10,000 मीटर नहीं है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जवाब दे सकती है क्या, चोरों की बातों का जवाब नहीं, पर फिर भी दिल्ली की जनता के सामने सच आना चाहिए। 10,000 की जो आपने बोला वो 809 मीटर है। आपने कहा कि यूपीए, आपने कहा कि एनडीए के टाइम, बीजेपी के टाइम नहीं, वो कांग्रेस के टाइम की अलॉटमेंट है। और सबसे बड़ी बात जो आप बार बार झूठ फैला रहे हैं कि स्कूल वो पब्लिक सेमी पब्लिक पीएसपी, और उससे पहले जो उसकी अलॉटमेंट थी साथियों, उससे पहले जो उसकी अलॉटमेंट का था ये 24/6/2015 का लेटर है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि द रिगार्डिंग प्रपोज चेंज ऑफ लैंड टू द एरिया मेजरिंग 809 अलॉटेड टू भारतीय जनता पार्टी एट पॉकेट 5 डीडीयू मार्क फ्रॉम रेजिडेंशियल टू पीएसपी पब्लिक सेमी पब्लिक। सरकार 2001 से 2009 दो से अलॉटमेंट के हम रिक्वेस्ट करते रहे और उस रिक्वेस्ट के बाद हमारी अलॉटमेंट फाइनली 809 मीटर का हमारे को प्लॉट मिल पाया। पर मैं एक चीज आप सभी चैनलों के माध्यम से सौरभ भारद्वाज जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि जब हमारी अलॉटमेंट हुई जब आम आदमी पार्टी वजूद में नहीं थी, बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज की अलॉटमेंट है, लंबी फेयर लिस्ट है आप लोगों के सामने आ जाएगी। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने एक अमेंडमेंट किया जिसमें 9/11/2012 को पॉलिटिकल पार्टीज को अलॉटमेंट होगी और उसमें एक अलग रेट लाए गए। उस अमेंडमेंट के बाद जब कांग्रेस, जब आम आदमी पार्टी का वजूद आया तो उनको मात्र 500 मीटर का कोई प्लॉट मिल सकता है। पर साथियों, जहां उनका कार्यालय है वो भू माफिया की तरह कब्जा करके दिल्ली के हाट पे बैठे हैं जिसका एक रुपया भी उन्होंने जमा नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉपर अलॉटमेंट करी, यूपी ने नहीं दी, कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बाद 2009 में वापस एप्लीकेशन को लेके गए, 2010 में हमारी अलॉटमेंट हुई, उसके बाद फिर हमारे को कब्जा नहीं दिया गया, फिर हमने फॉलो अप करते गए, फाइनली हमारे को 809 मीटर का कब्जा मिला। पर सौरभ भारद्वाज जी और आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल जो एक अलग राजनीति करने के लिए आए थे, क्या बताएंगे जो आपका कार्यालय वो कब अलॉट हुआ, क्या बताएंगे दिल्ली में आपके बाकी जितने भी आपके लोग कब्जा करे बैठे वो क्या है। साथियों, आम आदमी पार्टी और उसके सभी नेता दिल्ली में जब किसान आंदोलन पे उनको समर्थन नहीं मिला और तिरंगे का अपमान कराकर जब फेल हो गए और देश के सामने उजागर हो गए तो डिबेट को डेविएट करने के लिए एक नया शगुफा लिया है जिसका कोई तथ्य नहीं है, सारे कागज आपके सामने हैं और सारे
कागज मैंने फैक्ट्स के साथ आपके सामने रखे। कोई सवाल आपका होगा?